बच्चों को हर रोज़ नाश्ते में कुछ नया और इंटरेस्टिंग चाहिए, और खासकर टिफिन में तो उन्हें हर रोज़ अलग अलग चीज़ चाहिए। तो आज की जो रेसिपी है ना, वो ऐसी है जिसे आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं और या फिर सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। और ये नाश्ता तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है, इसे बनाना हेल्दी भी है और साथ में टेस्टी भी बहुत लगता है। तो यहाँ पे इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने मूंग दाल को बिल्कुल अच्छे से धो लिया है, और धोने के बाद इसे हम 2 से 3 घंटे भीगने देते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम कम है तो इसे 1 घंटे आप गर्म पानी में भी भिगो के रख देंगे तो बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी। 2 घंटे हो गए हैं दाल को भीगते हुए, और ये देखिए कितने अच्छे से फूल गई है, काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही अच्छे से टूट जा रही है। इसका मतलब ये दाल बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और ग्राइंड करते समय बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दाल को हमें ग्राइंड करना है, उससे पहले हम लेते हैं पोहा। तो यहाँ पर अभी मैं सारी तैयारियाँ कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 कप पोहा लिया है। पोहा के साथ ये वाला नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा पोहा ज़रूर ऐड करिए। तो यहाँ पे मैं पोहा को एक बार छान लेती हूँ ताकि इसमें जो गंदगी होगी वो निकल जाएगी। और यहाँ पे आप महीन या मोटे दोनों ही पोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे एक बार छानने के बाद ग्राइंड करना है, तो हम डालते हैं जार में। यहाँ पे अभी हमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिंपली इसे जार में डालने के बाद इसका हमें बिल्कुल फाइन पाउडर करना है। अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि बहुत ही कम प्राइस में हैं, तो इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पे पोहे का पाउडर भी रेडी हो गया, ये देखिए बिल्कुल महीन पाउडर है। और अगर आपके बच्चे जल्दी स्कूल जाते हैं, इतना टाइम नहीं है, तो ये पाउडर जो है आप रात को भी बना के रख सकते हैं। अब हमें मूंग दाल को भी ग्राइंड करना है, तो लेते हैं सेम जार और इसमें हम डालते हैं भीगी हुई मूंग दाल। सभी दाल को जार में डालने के बाद इसमें लगभग 1/4 कप के करीब हम पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। और इसे हम ग्राइंड करके इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मूंग दाल का भी पेस्ट बन के रेडी हो गया है। आप चाहें तो मूंग दाल को भिगोकर रात में भी इसका पेस्ट बना के रख सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं जो कंसिस्टेंसी है कितनी थिक है, बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए। और अब हम साथ में इसमें हम डालते हैं ग्राइंड किया हुआ पोहे का पाउडर, और यहाँ पर हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं, जिसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल रहे हैं, साथ में हम थोड़े से टमाटर भी ऐड कर रहे हैं, और मेरे पास थोड़े से गाजर थे ये भी ऐड कर देते हैं, और ग्रेट किया हुआ अदरक भी डाल देते हैं। और सभी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। पोहा मूंग दाल और थोड़ी सी वेजिटेबल्स के साथ ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया लगता है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मिक्सर है ना, कितना थिक हो गया, क्योंकि जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे जो पोहा है ना, वो एक्स्ट्रा पानी को अब्सॉर्ब करता जाएगा और बहुत अच्छे से फूल जाएगा। तो आप देख रहे ना कितना थिक हो गया है। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे मैंने सेम जार में पानी लिया जिसमें मैंने मूंग दाल का पेस्ट बनाया था, तो लगभग 1/4 कप के करीब पानी डाल देते हैं। और साथ ही में यहाँ पर हम 1/4 कप के करीब दही भी ऐड कर रहे हैं, और दही डालकर बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। दही डालने से नाश्ता काफ़ी सॉफ्ट बनेगा, और साथ में यहाँ पे जो दही लिया है वो बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही रहे तो नाश्ता खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। दही को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद जो बैटर की कंसिस्टेंसी है ना, वो काफ़ी थिक लग रही है। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम थिक बैटर बनाना है, तो फिर से हम इसमें पानी डालते हैं और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। ये नाश्ता खाने में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन अगर इसके साथ एक मज़ेदार सी चटनी रहे तो ये और भी टेस्टी लगेगा। तो आगे इसके साथ सर्व करने के लिए एक मज़ेदार सी हरी चटनी भी बनाएंगे, जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा, इससे ये नाश्ता और भी लाजवाब लगेगा। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा कलर के लिए हम डालते हैं हल्दी पाउडर, और अभी तक मैंने नमक नहीं ऐड किया था, तो इसमें हम नमक भी ऐड कर देते हैं, और थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल देते हैं। ये जो मैंने हरी मिर्च ली है बहुत तीखी नहीं है, अगर आपको तीखा खाना हो तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें हम डालते हैं धनिया पत्ती, और सभी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे आपको और हेल्दी बनाना है तो इसमें और सब्जियाँ आप ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप बीन्स, पत्ता गोभी, पालक डाल सकते हैं। तो इसमें आप अपनी मनपसंद सब्जियाँ डाल के इस नाश्ते को बना सकते हैं। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए साइड छोड़ते हैं, क्योंकि नमक डालने से जो है सब्जियां पानी छोड़ेंगी। तो जब तक हमारा बैटर सेट हो रहा है तब तक चलिए हम एक तड़का बना लेते हैं। तो इसके लिए पैन में लेते हैं 2 चम्मच तेल, और तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। जैसे तेल यहाँ पर गर्म होगा इसमें हम डालते हैं राई, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, और कुछ सेकेंड के लिए वेट करेंगे तब तक कि राई जो है अच्छे से फूटने ना लगे। तो यहाँ पे जीरा का भी हल्का ब्राउन कलर आ गया है, तो इसी समय इसमें हम करी पत्ता डालते हैं, जिससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और तुरंत ही इस तड़के को हम डालेंगे बैटर के साथ। तो 10 मिनट हो गया है, हमारा बैटर भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, तो इसी समय हम तड़का डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तड़का डालने से एक अच्छी सी खुशबू आती है, नाश्ता खाने में और भी टेस्टी लगता है। तो इस स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से सभी को मिक्स करने के बाद जो कंसिस्टेंसी है ना बैटर की, बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। और अब चलिए इसका जो टेस्टी सा नाश्ता बनाएंगे, इसके लिए ले रहे हैं ब्रेड। यहाँ पे हमें ब्रेड को राउंड शेप में चाहिए, तो ये मैंने शार्प एज कटोरी ली है और इस तरीके से कट करेंगे। और ब्रेड को राउंड शेप में कट करने के बाद इसे हमें कुक करना है। तो कुक करने से पहले हम एक तड़का लगाएंगे। तो लेते हैं पैन और इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें थोड़ी सी राई डालेंगे। जैसे ही राई चटकने लगेगी वैसे ही इसमें हम थोड़ा सा सफ़ेद तेल डालते हैं और थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे। फ्लेम को लो कर देंगे और तुरंत ही लेते हैं एक ब्रेड राउंडर। इसे हम बने हुए बैटर के साथ बिल्कुल अच्छे से कोट करेंगे। इस समय हमें ब्रेड को बहुत ज़्यादा डिप करके बैटर में नहीं रखना है, नहीं तो ब्रेड जो है काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी और फिर टूटने लगेगी। बिल्कुल दोनों तरफ से अच्छे से कोट करने के बाद इसे तुरंत ही हम तड़का के ऊपर रख कर नीचे की तरफ से मीडियम लो फ्लेम पर रख कर 2 मिनट के लिए सिकने देंगे। ऊपर की साइड मुझे थोड़ा सा प्लेन लग रहा था, तो एडिशनल हम थोड़ा सा मूंग दाल मिक्सचर ऊपर से स्प्रेड कर देते हैं, जिससे खाने में टेस्ट अच्छा आएगा। और थोड़े से हम सफ़ेद तिल भी डाल रहे हैं ऊपर की तरफ से, जिससे कि देखने में अच्छा लगेगा। और बस 2 मिनट ही हुआ है नीचे की तरफ से सिकते हुए, तो इसे हम पलट देते हैं और ये देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर आ गया है, बहुत ही अच्छे से सिक गया है। और करी पत्ता और सफ़ेद तिल से तो ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और अब इसे हम दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेते हैं। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑयल कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 चम्मच तेल में ही बहुत ही बढ़िया से ये सिक जाता है। और 2 मिनट नीचे की तरफ से सिकने के बाद इसे हम फिर से पलट देते हैं और ये देखिए जो दूसरी साइड है ये भी कितनी बढ़िया लग रही है। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए और हम उलट पलट के इसे सेक लेते हैं, जैसे कि बहुत अच्छे से सिक जाए और अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहे। और सेम इसी तरीके से आप दूसरा नाश्ता भी बना के रेडी कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने वाइट ब्रेड लिया है, आप चाहें तो यहाँ पे ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड से भी इसे बना सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे मैंने इसे राउंडल्स में कट किया, जिससे कि नाश्ता देखने में अच्छा लगे। आप अगर कट किए हुए इसे स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। ठंडा हो या गर्म, ये नाश्ता दोनों ही तरीके से बड़ा अच्छा लगता है और काफ़ी सॉफ्ट और लाइट बनता है, जो कि सुबह के नाश्ते में तो आप बना ही सकते हैं, साथ में बच्चों को भी टिफिन में खाने में ये बड़ा ही अच्छा लगेगा। और चलिए इसके साथ सर्व करने के लिए बनाते हैं एक मज़ेदार सी चटनी। चटनी बनाने के लिए लेते हैं जार और इसमें हम डालते हैं धनिया पत्ता। लगभग 2 से 2.5 कप धनिया पत्ता लिया, जिसे बारीक चॉप कर लिया है। साथ में अगर आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा सा पुदीना पत्ता भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं सूखे नारियल का बुरादा, ये लगभग मैंने 1/2 कप लिया है। साथ में यहाँ पे थोड़ा सा अदरक डाल देते हैं। 2 पीस हरी मिर्च डाल रहे हैं, जितना तीखा खाना उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा जीरा डालेंगे और दही डाल रहे हैं यहाँ पे लगभग 1/2 कप। दही यहाँ पे खट्टा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश दही का इस्तेमाल कीजिए। और टेस्ट के हिसाब से इसी समय नमक ऐड करेंगे और लगभग 1/4 कप के करीब पानी डाल देते हैं। और सभी को बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए 5 मिनट में कितनी हरी भरी चटनी बनके रेडी हो गई है। इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नींबू का रस, जिससे कि ये काफी चटपटा बनेगा। इसे आप चाहें तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा तड़का बच गया था जो कि मैंने बैटर में ऐड किया था, तो बस वही तड़का मैं ऊपर से लगा रही हूँ। तो बन गया बिल्कुल हल्का फुल्का टेस्टी नाश्ता, जिसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में बनाइए तो सभी को बहुत पसंद आएगा। मैं तो इसे अक्सर ही घर में बनाती हूँ। आप इसे कब ट्राई करने वाले हैं कॉमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी बनी है। और इससे पहले मैंने ब्रेड ढोकला सैंडविच बनाया था, जो कि बहुत ही इजी और टेस्टी सी रेसिपी है। तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।